वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम सेक्शन 146 एंड सेक्शन 147 के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिन पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सो वेयर एन ऑडिटर इज कन्विक्टेड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139, 143, 144 or 145, the auditor shall be liable to refund to the company the remuneration received by him. So next section is auditor to attend general meeting, section 146. To attend the general meeting is a right as well as duty of the auditor. Next key point is notice of board meeting is not required to be sent to the auditor of the company. And next is every communication relating to any general meeting of the company shall be sent to the auditor of the company. यानी कि जनरल मीटिंग में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो उसका कम्युनिकेशन ऑडिट कंपनी के ऑडिटर को किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द ऑडिटर शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज एन एज द ऑडिटर। यानी कि ऑडिटर को सिर्फ उसी मतलब उसी पार्ट पे सुना जाएगा जो कि उसे एज अ ऑडिटर कंसर्न करता हो जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट वन इज द ऑडिटर शैल अटेंड द जनरल मीटिंग्स ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। सो ऑडिटर का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो मतलब क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर होना चाहिए। कोई कॉमन पर्सन उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए। So, thanks for watching and like, share, subscribe to our channel.